मैं ये हमारे गांव का भूमिया है, ये देखिए भाई, देखो पत्थर वत्थर लगा के, ग्रिल व्रिल लगा के कितना गजब बना दिया। और देखो पीछे का व्यू, इधर डांगर भी है, इधर खेत है। हमारे गांव की चुपाड़, जहाँ जैसे बारात घर हो, जहाँ बारात टिक जा। ये देखो भाई कुर्सी भी पड़ी, यहाँ भट्टी वट्टी चढ़ा है, खाना बना है। ये हमारे गांव में सामने खल बट्टे की दुकान है, जहाँ पे एक कुर्सी बिछी हुई है, यहाँ पे खल चोकर। खात नहीं, पता नहीं कैसे मिला है। गुड़ कोल्लू में गुड़ बन के फिर ये बिकेगा, कोई खांड बनावेगा, कोई शक्कर बनावेगा, फिर ये बिकेगी। हमारे गांव में ना कोल्लू, हर कोने पे कोल्लू है, इनके चले जाओ उनके चले जाओ, कोल्लू ही कोल्लू मिलेंगे। ये कैसे रस उछाल रहा है, अगर मैं नहीं डांग रहा हूं दूर बड़ा से नहीं, ये देखे मैली दे क्या होगा, डांगरों का दूध बढ़ता है अगर भैंस हुआ है। माजर अंगर अभी दूध का ही नहीं। तो निकल, हम अपने गप जा रहे हैं, हम अपने घर पर क्या अपन भैंस। भाई देखो यहाँ पुली के कितने सारे ढेर लग रहे, गंडे की पुली के बहुत ढेर लग रहे। इन सब का बनेगा गुड़, इन सब गंडे का बनेगा गुड़, फिर यो बिकेगा बड़ो, मतलब किसी भी मंडी में कस्बे में जहाँ भी ये बेचते होंगे वहीं बिकेगा। ये देखो ये पूड़ी ऐसे उठा उठा के ले जा रहे बेचारे, ये भाई बहुत मेहनत का काम है, हकीकत में बहुत मेहनत का काम है। इतना मतलब एक पूड़ी कम से कम होगी ऐसा नो, एक पूड़ी कितने किलो की होगी, 70-75 किलो की। भाई देखो एक पूरी 70-75 किलो की, और ये उठा के ले जाए बेचारे, सब पेट भी खाता, सब कुछ करना पड़ेगा, तो हकीकत है। बिना करूँ तो किसी को रोटी मिलती नहीं। आज आड़ी गुड़ खाएंगे और अपने घर चलाएंगे, अब हम गरम गरम गुड़ खाते हुए अपने घर के लिए निकलेंगे। टेस्टी है, अगर आदमी छो में भी हो तो गुड़ खुवा दो तो मीठा हो जाएगा। हाँ जिसे ज्यादा गुस्सा आता हो वो गुड़ खाता रहो, मीठा मतलब मीठा नहीं, उसका छो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अंकल गरम गरम गुड़ियो है वो है, ये वाला गरम, ये वाला, ये नहीं ना, ये ला देखो भाई, अब गरम गरम, अब भाई हम गरम गरम गुड़ खाते हुए अपने घर जाएंगे और गरम गरम गुड़ का मजा जाएंगे। ठीक है भाई, ये अब ये ऐसे ऐसे कर करके गुड़ बनाएंगे। अब ये इसे ऐसे पलट पलट के टाइट होता रहेगा, ऐसे पलटते रहेंगे, फिर ये गुड़ बना के तैयार करेंगे। ए मैं उधर जा रही, अब ये देखो भाई आज हम कोल्लू के नाम के स्पेशल ले रहे थे, मगर आज हम अपने गांव के दूसरे पास में जाएंगे, तो वहां जा रहे हैं धनोरा वाले अंकल, नाम भूल गई, बिरसे, हाँ बिरसे अंकल याद आ गया। भैया मुकेश की मैं काढ़ूंगी, हाँ रख मैं काढ़ू की बड़ी छोरी, ये मुकेश की बड़ी, दोनों बड़ी बड़ी आ रही। देखो ये टेस्ट, देखो कितनी छोटी छोटी है, रुक जा ये बनाओ ना आली, मैं इसमें वहां तेरा सारा उस वाले से, इसमें यो पकड़ा और इसमें तो उसमें जा रहा, इसमें से यो इधर आ जा भाई, मैं पके लग रहा है, इसमें धुआंधार उठ रहा बहुत, मार तो कैमरे पे भी हो गया, यहाँ तो झोंक रहे।
भाई देखो यहाँ से पैरों से खोई डाल रही है भैया, इधर से देखो आग भी चल रही है वहाँ पे, दिखे ना कि नहीं। देखो ये पैर से उसमें जूम कर लू थोड़ा सा, हाँ देखो ये पैर से उसमें डाल रही है खोई, जिससे कि उसमें आग बराबर, जिसमें कि उसमें आग बराबर जलती रहे, फिर उसमें वो गुड़ का जो वो है रस है वो पकता रहेगा, फिर ये उसमें से डाल लेंगे अंकल एक बार, फिर उसमें से डाल लेंगे ये इस कढ़ा में, इसमें से फिर ये क्या मसाला डाल रहे हो? मसाला नहीं है, दारू का पोंगा है। ये मसाला डाल रहे भाई, ये मसाला है, ये मसाले का गुड़ बना रहे, प्योर बनाया करो ना, ये दारू का पोंगा है, प्योर नहीं मांगते विदेश में, हम प्योर ही लेके जावे। आ रही है भाई, देखो अब इसमें कैसे करोगे तुम, कैसे बनाओगे वो गुड़? बना भाई पापा, आजा बना, ऐसे कैसे करते पापा बताओ ना, अंकल क्या कर रहे आप? अब ये हमारे अंकल गुड़ बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। अंकल गुड़ बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। ये बड़ा गुड़ है इसका, वो दूसरे वाला गुड़ नहीं बना है, ये बड़ा ही गुड़ रहेगा। देखो भाई ये है बड़ा गुड़, ये देखो ऐसे ऐसी पांच उतरेगी, फिर इसका क्या बना है बड़े गुड़ का? इसकी शराब बनती है। देखो भाई इस बड़े गुड़ की बनती है शराब, और उनके उनके है खा, वा, अंकल वा खांड है, हुआ है बुरा खांड, खांड के भादे रे अंकल। अच्छा भाई हमारे यहाँ खांड भी हो, बड़ा गुड़ है जिस जो शराब बनाने में काम आवे, और मारेंगे हमारे यहाँ खांड भी बना, तो हम देखेंगे खांड कहाँ है। ये देखो भाई ये खांड छन रही, अंकल उतारनी पड़ेगी चप्पल, अंकल ये खांड क्यों छानना है? अच्छा कबाड़ा, अखांड के बाद 220 रुपए धड़ी। भाई देखो ये पास से दिखानी पड़ेगी, पर मेरे पांव तो गंदे हो जाएंगे। भाई देखो हमारे यहाँ खांड भी बना है यार, देखो कितनी बारीकी से खुद खांड है ये भाई, इसमें कोई मिलावट नहीं है। खांड तो हमें भी लेकर जानी, एकदम हमें भी लेकर जानी खांड तो। अरे छान रहे भाई, छान रहे। देखो भाई उनका देखो कितना लंबा छोड़ा ढेर लग रहा, और यह खोई या पता नहीं कहीं कहीं में काम आया, हमें भी नहीं पता। ये कोल्लू वाले बैठे भाई सारे, ये कोल्लू वाले हैं सब। भाई ये है सीरा, ये देखे छोटे छोटे बच्चे अपना रिक्शा चलाते हुए जा लिए कोल्लू में, अब ये कोल्लू में गुड़ कर लेना है, फिर ये गुड़ ले जाकर बेचेंगे। क्या हो, इंजन चल रहा, इसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही, इसकी वजह से मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब ये अब रेडी सी लेके आए, इसमें एक गुड़ ले जाएंगे अंत, एक क्विंटल दो क्विंटल जितना भी जिसकी गुंजाइश होगी, फिर ये इस गुड़ को ले जाके बेचेंगे गली गली, मतलब हर गांव में जाके ये इस गुड़ को ले जाके बेचेंगे, कोई मतलब पैसे कमाएंगे, जैसे भी जिसका भी जैसा जुगाड़ होगा कि जिस जैसे भी बेचेंगे, जितना महंगा बेचे सस्ता बेचे सब यही काम करें। हमारे गांव का किस कौन सा मोहल्ला है, दूसरा मोहल्ला, आज हम अपने गांव के दूसरे मोहल्ले में आए हैं। ये देखो ये तो ताई का घर है ना, यहाँ कौन रहा है अब? ये बाहर के रह रहे हैं। ये देखो भाई, भाई देखो गाइस, ये मेरी भतीजी है, इसे इसका मुंह देख लो, इसे जब भी शादी के लिए बोलते हैं ना, तो ये अपने आज अपने शादी के बारे में विचार रखेगी, तो आज आप सबको पता लगेगा शादी करके क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ मिस अंजुला से, मिस अंजुला चौहान। ये हमारा घर, देखो देखो देखो, देखी ये काव्या है, काव्या देखो देखो, इसका चैनल है ये मिस काजू,
हाँ, ये काजू की सिस्टर है, मामा की लड़की काजू के। हाय करो बेटे, इतने सारे कपड़े ये रखे देखो, ये देखो भाई, ये ओका है। हमारी चाची कभी कभी ओके में गुट मार ले, वे इनके गैस बड़े। ये देखे ओके में गुट भरे ना, ये देखे, ये योग्य, ये हमारे गांव का योग्य है। जरा फेस घुमाइए योग्य, आपसे हम सवाल करते हैं। सुना, अब बताइए योग्य जी। हम तुम्हें बताते हैं क्या है ये योग्य है। योग्य ऐसे नहीं, ऐसा ले भाई, हम तुम्हें बताते हैं। ये है मास्टर योगेश मास्टर, इसका अपना खुद का मेडिकल स्टोर है। और ये हमारे अंकल डॉक्टर परमवीर सिंह है, इनसे मिलिए आप। ये डांगरों के डॉक्टर है, ना कि इंसान के डॉक्टर। और ये इससे सीखो पैसा कमाना, एक पेशेंट कैसे बढ़ाते हैं ये बताएगा। इससे कोई एक रुपए की दवाई ले जाओ ना, पैसे दे के जाओ तो 5 रुपए उसके खाते में जमा हो जाएंगे। क्यों भाई डॉक्टर मास्टर? मना करते हैं पैसे किसी खाते में, पर लिख तो दे रजिस्टर में भाई इतने पैसे। अरे नुई रखे से ये बाद में समझ लेंगे तो पैसे कितने पड़ेंगे। देखो धूल, ये है गांव की जिंदगी, धूल लो। ये हमारे गांव का तोला ताऊ तोला, जिसे दरवाजों में भी तोला जा सकता है भाई। हम मैं थे भी रूं गुस्से, जिनका जंगा कम हो ना नू गुस्से लगा के, और यो गोबर लगा दे तो गुस्से भीगते ना, गोबर ही भीग जाओ ऊपर का। अब फिर इन्हें ढक दे पन्नी ते, पर इनका कितना ही कर लो, कोई चौदह भला ही नहीं रहता। यह बात हकीकत है, करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो भाई तेरे बाप ना माड़ा सा नहीं बना, बैठी हाँ चोत सी। मैं क्या बिल्कुल बोलूंगी, लल्ला की बने के लिए जो था लल्ला मगर तेरे पाजी लल्ला। हाँ शर्माओ ना, फेस ऊपर को करो। आ गया क्या सारा, इसमें गोबर लगा चोखा सारा। मैं बना ना उफड़ा बना रही ले ले जा, ये लो भाई। भाई काम सारा है हमारे पास, मिटोड़ा थेना भी आवे, किसी इंसान को थुआना हो वो भी आवे। इनकी बेटी है और नहीं। ये है साक्षी जी, देखो ये इनकी बेटी है। ये तेल लगा रही है, देखो तेल लगा देसी देसी में, देखो देसी जो गांव के लोग होते हैं सिर में तेल कैसे लगाते हैं देखो। गांव में छत पे क्या बना रहे है देखो देखो, ये है ये हमारी अंजुला भी है ना पागल हो, ये देखो बच्चा तो है ये साथ में। देखिए भाई साहब, ये है हमारे गांव के, ये संदूक है, गौसों का संदूक बना रहे हैं हम। बैंक को पिटोड़ा, अरे वहाँ क्या कर रहे बनाए तो सिर्फ बुज्जू मर्जी, आज पार्टी है वहाँ। ये काट और ढूंढ इसमें, देखिए रे देखो भाई, हमने इतने सारे बैंगन तोड़े अपने अंत है, ये देखो। हाँ लरी एक टाइम की सब्जी का जुगाड़ हो गया, ये देख डाल दूँ। हाँ। भाई ये देखिए काव्या ने सब्जी छोंक दी, मैं बाहर बैठी थी मुझे पता नहीं, भाई मैं बाहर बैठी थी मुझे पता नहीं लगा काव्या अंदर सब्जी बना रही है। इसने अपने आप ही सारा सामान कटा, अपने आप ही छुंकी। अब देखिए भाई कैसे, ये देखिए सब्जी, ये देखिए काव्या लगी पड़ी है कैडी होके सब्जी बनाने। बस बन गई, ढक दे बस इधर। पानी गया इसमें थोड़ा सा, जब तो बनेगी ना, तेल ज्यादा डाल रखा ना, तेल में बना। गंदा पानी में टो, गंदा पानी बाहर से लेकर दो पानी बाल्टी में डालिया, एक गिलास भर के भाई। देखिए हमारी छोटी सी बेटी है, उसने देखो सब्जी काट के सब्जी बना दी बेचारी ना, कढ़ाई भी ढंग से ना धरी गई, नमक नहीं गिरा था इनने, भूल गई थी गिर दे। लल्ली बढ़िया बना दी, स्वाद आएगा देखे। ये देखे भाई हमारी लल्ली ने सब्जी बना दी, ले पानी गिर दे इसमें, गिर दे सारा ला। ये उसमें दे दे मसाला दानी में, या मैंने ढक दी
रोटी रख उसमें सीधा करो रोटी को उल्टी क्यों करी पलट। हाँ ये रोटी अपने नाना को देती है। हाँ धरा भाई चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग हो। मेरा मुंह भी दिखा दे लल्ली दिख रहा है। इधर तो फेस करो इधर तो फेस करो ले। हाँ हम के रोटी पका मतलब हम उस गैस पर रोटी बनाने लगे तो हम चूल्हे पर अंजना का जरूर मी बरसेगा रात आई बूंद आई की बंद हो नहीं मैं तो नन्नी तो देखो उजरी पानी करो आ जाओ।